दोस्तों नमस्कार, जैतन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं आईबी खान और आप देख रहे हो जैतन का नंबर वन जैतन न्यूज यूट्यूब चैनल। जैसा कि विदित है, लोकमान्य संत शेरे हिंदुस्तान संत रूप मुनि रजत महाराज जी की कल पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो गई और आज उनका जन्मोत्सव था, लेकिन ये सहयोग भी मात्र कहा जाएगा कि आज उनको यहाँ जैतन मर्दर केसरी पवन धाम सभागार में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और इस श्रद्धांजलि सभा में चेन्नई तमिलनाडु संघ के जो उनके गुरु भक्त है उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है। और मेरे साथ आप जैसे देख सकते हैं ये दक्षिण प्रवासी लोग हैं और तमिलनाडु चेन्नई से, और इन्होंने करोड़ों रुपए की घोषणा की। और मैं इस संबंध में जानना चाहूँगा जो आप कोठारी जी है, आप बताएं, सॉरी सुरेश जी कोठारी जी है सर, जो पूज्य गुरुदेव लोकमान्य संत शेरे राजस्थान गुरुदेव रूप मुनि जी महाराज साहब की आज इस गुणानुवाद सभा में पूज्य गुरुदेव वरुण मुनि जी महाराज साहब ने आज बताया कि गुरुदेव श्री के 8 साल हो गए हैं डायलिसिस होते होते हुए, तो चेन्नई बेंगलोर और जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर हर जगह एक डायलिसिस सेंटर खुलना चाहिए। तो हमारे साथ में पधारे हुए अनेक गुरु भक्तों ने इमीडिएट एक एक्शन लिया कि हमारे चेन्नई में भी एक डायलिसिस सेंटर खुलना चाहिए। देखते देखते एक ही मिनट में बहुत बड़ी एक स्कीम बन गई और घोषणा हम गुरुदेव के समक्ष आज कर चुके हैं। तो हमारे साथ में आदरणीय मीठालाल जी पगारिया, पद्मचंद जी कांकरिया, महावीर जी भंडारी, एच महावीर जी भंडारी, ललित जी मखाना, इंद्र भाई छाजेड़ और गौतम जी भंडारी और कांतिलाल जी गढ़वाणी वगैरह अनेक गुरु भक्त जो भी हमारे साथ में पधारे हैं, उन्होंने एक मिनट में ही सब ने स्वीकृति कर ली कि जो भी बड़ा से बड़ा काम होता है वो आप काम करिए, हम आपके साथ में हैं। तो अति शीघ्र ही मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाली पुण्यतिथि तक, प्रथम पुण्यतिथि तक ये डायलिसिस सेंटर चालू होना चाहिए। मैं अब निवेदन करूँगा महावीर जी भंडारी से एक मिनट के लिए, वो बोले। आप श्री महावीर जी भंडारी है, शॉर्ट में बोलना। पूज्य गुरुदेव शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज साहब को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय दीन। ये थे तमिलनाडु और चेन्नई संघ के, और मैं अब आपको सीधे ले चलता हूं उसे श्रद्धांजलि सभा में जहां उपप्रवर्तक शासन गौरव मरुदाभूषण शकुन मुनि जी महाराज एवं तपस्वी रतन ज्योति सम्राट अमृत मुनि जी महाराज के पवन सानिधि में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं आईबी खान आपको सीधा ले चलता हूँ उस कार्यक्रम में। पवन धाम ही तो पवन धाम ही आते क्योंकि चौमासा कहाँ है, हमारा पवन धाम ही है। और उनके भावना है, एक जिज्ञासा है कि अस्थि कलश की प्रथम स्थापना जन्मभूमि नाटोल है, वहाँ हमारी क्या होनी चाहिए। तो मैं उनको खुला कह रहा हूँ, कोई शंका रहने की जरूरत नहीं। जब रूपचंद जी महाराज ने आपको आश्वासन देकर गए हैं, भक्त सारे जानते हैं और नाडोल अभी आपने सुना है और जय श्रीमा जी वगैरह सभी आए हैं कि नाडोल जहाँ एक भी घर नहीं है वहाँ पूरा गांव क्या है, जुम्मा भक्त है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये पहला अस्थि कलश की स्थापना कहाँ होगी, नाडोल में होगी। कोई भी आपको भ्रम फैला रहे, आप भ्रम में क्या संस्थाएं हैं और सभी चाहते हैं। अभी हमारे मारवाड़ जंक्शन जो खाना पान की एक मात्र संस्था खुली है, वहां भी अस्थि कलश की स्थापना की क्या भावना है। और साथ ही हमारे पाली रूप रजत विहार जो बड़े सुंदर ढंग से क्या है सुसज्जित है, वहां भी भावना है। और हम भावना का क्या रखेंगे, आदर रखेंगे। तो आपको कोई शंका नहीं, पहले नाडोल होगा, उनके बाद दोनों धाम की अवसर होगा, पानी भी होगा और बारा जंक्शन भी होगा। तो वो महापुरुष नाडोल में जन्मे, गोस्वामी मंत्र में जन्मे मोतीलाल जी महाराज, यानी हमारे स्वामी जी मोतीलाल जी महाराज, उन्होंने छोटी उम्र में जन्म की कोई लेना देना नहीं था, पर योग होता है, मोतीलाल जी महाराज के साथ बैरागी हो गए और उनकी दीक्षा काम हुई जोधपुर में हुई, जो हमारा एक राजस्थान का एक मात्र बड़ा शहर है स्थानवासी समाज का, वहाँ दीक्षा हुई 1999 और उनके बाद में 7 वर्ष तक उनके गुरु की छत्र छाया रही। बाद में 2007 के अंदर काका गुरु मर्दर केसरी की श्रीमती महाराज
उनके साथ में आए और उनके कोई जो महाराज पिता जी थी मदद की बहुत कर रहा है, पर नहीं दूसरी कंटी जरूर होती है पर दूध में डाल दी क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। इस तरह से दूध और शक्कर की तरह यानी मुठाए और पूरा क्या है 36 साल तक रहे। कितने 36 साल में कई बड़े बड़े अनुभव गुरु महाराज से उन्होंने क्या किया प्राप्त किया और उनके बाद में लोगों में हल्ला था जो आज हल्ला अरे गुरु महाराज किया था परिवार जानता है डॉक्टर भी जानता है कि उनको आशा पूरा देने के बाद निरंतर बकरे रहते थे पर उन्होंने अपना साधुता का परिचय देते हुए अपना अनुभव का परिचय देते हुए उनके भावने का पानी मीठा किया और बकरे का घी बंद किए। इन तरह से अनेक कार्य और गौशाला तो जो आदमी जो जाता है समझ सकते लिए हमारे महाराज ने वो काम किया कि पहले गुरु महाराज महत सम्मेलन वर्धन केसरी महाराज मेरे गुरु महाराज ने भराए और पूना का सम्मेलन रूपचंद जी महाराज पढ़ाए और उन्होंने उनका गाइडिंग किया और बड़े सुंदर ढंग से आज आचार्य सरदार शिव मुनि जी महाराज वहाँ विराजमान है बुद्धपुर चातुर्मास है आचार्य तो बाद में मरे पर सामान्य संत थे और इस जेतार में पावन धाम पर आए थे रूपचंद जी महाराज की ओर कभी आचार्य बनाओ कहीं बनाओ यदि पूछो नहीं और बाद में धीरे धीरे कार्य बना तो हमारे देवेंद्र मुनि जी महाराज को उपाचार्य बनाया युवाचार्य कौन बने शिव मुनि जी महाराज बने वो भी आचार्य सम्राट है आचार्य है महेंद्र ऋषि जी महाराज वो भी यहाँ पवन धाम से क्या दिया आशीर्वाद लिया मरकर बाबा का कोई कह महाराज कहीं करामात है करामात उचित है कि आठ तारा के तो अब जिन्हें आठ तारा नहीं है और केवल पंचायत ही करता है उन फोकट वाला रखी नहीं है ये आठ तारा को और गुरु के प्रति देव के प्रति धर्म के प्रति एक बात मैं कहता हूँ कि अभी हम तो राजस्थान में हैं उधर नहीं आ रहे हैं पर कई संत आते हैं उनको एक ही है कि तू करो चेलो बन जा तू करो चेलो बन जा तू भूपतिया चेला मुखरा बनने वाला है उन्हें नहीं आप अपने गुरु की आस्था पर क्या रहो सुदृढ़ रहो कि भक्ति हमारे गुरु ने कहा भक्ति खूब करो परंतु माँ बाप का हमारे लोकमान्य संत रूपचंद जी महाराज यहाँ से जब पक्के इलाज के लिए गए और उस समय हमारे यहाँ के अध्यक्ष सोमनाथ जी महामंत्री मानक सिंह जी और इनके साथ में यानी हाँ पूरी टीम एक ही भक्ति से के साथ में यहाँ से रवाना हुए रास्ता में हमारे मेनू सिंह जी भी क्या साथ हो गए हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों डॉक्टरों को आशीष जी को और हमारे क्या है अमित जी को हाँ ये दोनों ही अभिषेक जी और अमित जी अभिषेक जी ने निरंतर 10 साल से क्या सेवा कर रहे हैं और अमित जी भी बराबर लगातार क्या सेवा बना रहे हैं उनको ज्यादा धन्यवाद और हमारे संघ के कार्यकर्ता उन्होंने तो दिन रात एक कर दिया के हाँ डाइजेशन में जैसे की आदि सभी और सभी ने खूब सेवा बजाई और सभी भक्तगण दूर दूर का चाहे मद्रास हो बेंगलुरु हो चाहे कोलार हो मैं जानता हूँ कि हमारे गौतम जी की कभी ठीक नहीं कर दिया थी पर जब सुन लिया कि महाराज को क्या स्थिति ज्यादा खराब है तो वह दूर कर गया सभी साहब शरीर कारण नहीं कर सके उन्हों कोई दोष नहीं है बाकी सभी की सेवा क्या बधाई है सभी को साधु है चाहे जोधपुर हो चाहे अजमेर हो चाहे मद्रास हो सभी जगह के लोग क्या
मैं उनके लिए भजन तो बहुत है, मगर एक बात इतना कह देता हूँ, उन्होंने जीवदा के प्रति जो कुछ भी इस हिंदुस्तान में, चाहे महाराष्ट्र की गौशाला हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे राजस्थान की, सबको पता कि गुरुदेव उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में से उठ करके बाहर आए। उनको एक सवाल किया कि तू जयतरण नहीं गया क्या, गुरुदेव के साथ वैकुंठी में शामिल नहीं हुआ क्या, एक दिन पहले का आदि जैन साहब, ये सपना उस आत्मा से जुड़ा हुआ था, ये विचार उनके आत्मा से जुड़े हुए थे। जब इन्होंने मेरे को भी हमारे बीच योगेंद्र आया हुआ है उनके लड़का, जब उन्होंने बताया ये चीज, तो मैंने, वो बोलते हैं कि मैंने मेरे पिताजी से इस बात से जोर देकर कहा, मेरे गुरुदेव विराजमान है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो बोला कि तेरे को पता नहीं है, तेरे को वहां पहुंचना है। मैं समझता हूं ऐसे महान हस्ती जिसके लिए मैं कुछ शब्द नहीं मेरे पास, मगर उसने वहां जाते जाते भी यही प्रेरणा दी कि सारे पीछे जीवदय का काम करते रहना। मैं आज आगे जैन साहब की तरफ से 51 लाख रुपए की 85 गौशालाओं को मैं तारीख निश्चित करके बता दूंगा, उस दिन आप वितरण कर देंगे। ये उस महान आत्मा के लिए जो उनकी भावनाएं थी। व्यवहार में आने का
यही रास्ता था देवगढ़ से होके। तब गुरुदेव अम्बालाल जी मान साहब से मिलने आते थे और अम्बालाल जी मान साहब गुरुदेव से मिलने आते थे। उस वक्त मैं मेरी मुलाकात होती थी, आज देर तक वे सबसे मेरे लंदन जाने का था। गुरुदेव को अर्थ किया मैं लंदन जा रहा हूं, कब जाना है? मैं 19 तारीख को जा रहा हूं आज। तब गुरुदेव अहमदाबाद आया था, तो बोले सुबह सुबह ले तुम क्या चलते नरगमाल जी वापस आ जाऊंगा 10 दिन में। तो कहते हैं जैसे अभी बताया बात चली थी स्कूल के बारे में, अगर क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके बारे में इतना जानता थी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक शब्द को हम पढ़ रहे हैं हमारे बोलते बोलते महिमा देना है भरत लेना है लेकिन उसकी महापुरुष की महिमा हम नहीं पा सकते। हम उस कड़ी बात बढ़ाए हमारे देश में जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं।